हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल अपग्रेड वोकैबुलरी विद अंशु। और आज है 12 मई, और 12 मई के हमारे जितने भी द हिंदू के वोकैब होंगे उन सभी को मैं कवर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है इंडिया मूव्स टूवर्ड एनर्जी सेल्फ सफिशियंसी। तो ये हमारा आज का आर्टिकल है, और इनसे रिलेटेड जितने भी वोकैब होंगे उन सभी को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला जो वर्ड है वो है सेल्फ सफिशियंसी, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है, आत्मनिर्भरता, इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमी, सेल्फ रिलायंस, सेल्फ सपोर्ट। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है एफिशिएंट, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है, कुशल, प्रोडक्टिव, कंपिटेंट, इफेक्टिव, इकोनॉमिकल, स्ट्रीमलाइंड। ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है ट्रांजिशन, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है, परिवर्तन, चेंज, शिफ्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, कन्वर्जन, इवोल्यूशन। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है नेट जीरो, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है, दिस रेफर टू द बैलेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस्ड एंड द अमाउंट ऑफ रिमूव्ड फ्रॉम द एटमोसफेयर। जितने भी हमारे ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जितने वो प्रोड्यूस होते हैं और कितने हम उसको इन्वायरमेंट से रिमूव करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, नेट जीरो। वो क्या करता है, दोनों को कैंसिल आउट कर देता है। तो यही हमारा टारगेट है कि 2030 तक जो हमारा इंडिया है वो 40% to 50% नेट जीरो क्या रहे, नेट जीरो रहे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वर्ड है वो है अनडाउटेडली, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडवर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, निसंदेह, सर्टेनली, डेफिनेटली, इनडिस्प्यूटेबली, अनक्वेश्चनेबली, पासरेडली। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मेक अ स्ट्राइड, जो कि एक फ्रेज है जिसका मीनिंग क्या होता है, प्रगति करना, मेक प्रोग्रेस, एडवांस, मूव फॉरवर्ड, इम्प्रूव, डेवलप। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है प्लेज, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है, प्रतिज्ञा, ओथ, वो, कमिटमेंट, अश्योरेंस, प्रॉमिस। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, वो है इन द ऑफिंग, ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग क्या होता है, आने वाले दिनों में, फोर्थ कमिंग, इमिनेंट, अप्रोचिंग, लूमिंग, पेंडिंग। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है रिमार्केबल, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है, उल्लेखनीय, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्सेप्शनल, नोटेबल, इम्प्रेसिव, आउटस्टैंडिंग। नेक्स्ट हमारा वर्ड देख लेते हैं, वो है इमर्ज, इमर्ज पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, उभरता हुआ, सरफेस, अपीयर, कम फोर्थ, मटेरियलाइज, अराइज। ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है एपिसेंटर, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है, केंद्र, सेंटर, हार्ट, हब, न्यूक्लियस, कोर। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, वो है लैंडस्केप, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है, परिदृश्य, सीनरी, कंट्रीसाइड, टेरेन, एनवायरनमेंट, पैनारोमा। तो ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है क्रिटिकल, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है, महत्वपूर्ण, क्रूशियल, वाइटल, एसेंशियल, इम्पॉर्टेंट, की। ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है सस्टेन्ड, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है, निरंतर या बना हुआ, कंटिन्यूड, कॉन्स्टेंट, ऑन गोइंग, परसिस्टेंट, स्टडी। ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है ट्रैजेक्टरी, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है, प्रक्षेप पथ, पाथ, कोर्स, डायरेक्शन, रूट, ट्रैक। नेक्स्ट वर्ड हम देख लेते हैं, वो है रिवॉल्यूशनरी, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है, क्रांतिकारी, रेडिकल, इनोवेटर, रिफॉर्म, रिबेल, इंसर्जेंट। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, वो है ब्रिंग अबाउट, ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, घटित होना, कॉज, प्रोड्यूस, जनरेट, इंस्टिगेट, प्रोवोक। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, वो है सस्टेनेबल, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है, सतत, रिन्यूएबल, मेंटेनेबल, वाइबल, इको फ्रेंडली, एंड्योरिंग। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है एथेनॉल ब्लेंडेड, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है, एथेनॉल जो हमारा केमिकल होता है वो एक उसका मिश्रण, ठीक है, मिश्रित, मिक्स्ड, कंबाइंड, इंटीग्रेटेड, मर्ज्ड, फ्यूज्ड। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है रोल आउट, ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, लॉन्च करना, लॉन्च करना, इंट्रोड्यूस करना, अनवील करना, प्रेजेंट करना, इनिशिएट करना। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है ग्लोब, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है, पृथ्वी, अर्थ, वर्ल्ड, प्लैनेट। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, वो है अकाउंट फॉर, ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ के लिए उत्तरदायी होना या जिम्मेदार होना, कॉन्स्टिट्यूट, मेकअप,
कंप्राइज, फॉर्म, कंपास। नेक्स्ट हमारा वर्ड देख लेते हैं वो है एसेंशियल, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है, जिसका मीनिंग क्या होता है, आवश्यक, नेसेसरी, इंडिस्पेंसेबल, वाइटल, क्रूशियल, रिक्विजिट। नेक्स्ट जो वर्ड है वो अफोर्डेबिलिटी, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है, जिसका मीनिंग क्या होता है, सस्ती या किफ़ायती, रीजनेबलनेस, बजट फ्रेंडलीनेस, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, इकोनॉमिकलनेस, इनएक्सपेंसिवनेस। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है पर कैपिटा, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है, जिसका मीनिंग क्या होता है, प्रति व्यक्ति, पर पर्सन, पर इंडिविजुअल, पर हेड, पर यूनिट ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है मोरओवर, ये एक एडवर्ब है, जिसका मीनिंग क्या होता है, इसके अलावा, फर्दर मोर, इन एडिशन, एडिशनली, बिसाइड, ऑल्सो। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है बायोमास, ये एक नाउन है, जिसका मीनिंग क्या होता है, जैव द्रव, बायोफ्यूल, ऑर्गेनिक मैटर, बायोलॉजिकल मटेरियल, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है इन द मीन टाइम, ये एक फ्रेज है, जिसका मीनिंग क्या होता है, इसी बीच, मीन वाइल, इन द इंटरिम, ड्यूरिंग दिस टाइम, इन दिस पीरियड। नेक्स्ट वर्ड है वो नेवरदलेस, ये एक एडवर्ब है, जिसका मीनिंग क्या होता है, जिसका मीनिंग होता है फिर भी, हाउएवर, नेवरदलेस, नॉट विथ स्टैंडिंग, स्टिल, गेट, ये सारे क्या है, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड देख लेते हैं वो है मैनेज टू, ये एक वर्ब है, जिसका मीनिंग क्या होता है, मैं सफल होना, किसी काम में सफल होना, अकम्प्लिस, अचीव, सक्सीड इन, पुल ऑफ। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है नेविगेट, ये एक वर्ब है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जिसका मीनिंग क्या होता है, नियंत्रित करना, मैन्यूवर, स्टीयर, गाइड, पायलट। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं वो है स्वीप थ्रू, ये एक फ्रेजल वर्ब है, जिसका मीनिंग क्या होता है, तेजी से फैलना, स्प्रेड अक्रॉस, एनगल्फ, ओवररन, परवेड। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है क्रिपलिंग, ये एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है, जिसका मीनिंग क्या होता है, दुर्बल करने वाला, डेबिलिटेटिंग, इनकैपेसिटेटिंग, डिसेबलिंग, पैरालाइजिंग, किसी चीज़ को दुर्बल करना, किसी चीज़ को कमजोर करना, वो हमारा क्या होता है, क्रिपलिंग। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं वो है नेवर, नेवर जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है, जिसका मीनिंग क्या होता है, पड़ोसी, एडजेसेंट, एडजॉइनिंग, नियर बाय। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है गो अप, ये एक फ्रेजल वर्ब है, जिसका मीनिंग क्या होता है, बढ़ना, इंक्रीज, राइज, एस्केलेट, एलिवेट। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं वो है ड्राई आउट, ये एक नाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जिसका मीनिंग क्या होता है, कमी, डिप्लेशन, एग्जॉशन, डेफिशिएंसी, इनसफिशिएंसी। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं वो है एब्जॉर्ब, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है, जिसका मीनिंग क्या होता है, नुकसान सहन करना, ऑफ रिलेटिंग टू लॉस, बियर द लॉस, लॉस सहना, नुकसान सहना, वो हमारा क्या होता है, एब्जॉर्ब। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एग्जॉर्बिडेंट, एग्जॉर्बिडेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है, जिसका मीनिंग क्या होता है, अत्यधिक, एक्सेसिव, आउटरेजियस, अनरीजनेबल स्टेप। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपैंड, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है, जिसका मीनिंग क्या होता है, विस्तार करना, एक्सटेंड, एनलार्ज, वाइडन, ब्रॉडन। नेक्स्ट जो वर्ड है एक्सप्लोरेशन, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है, जिसका मीनिंग क्या होता है, खोज, इन्वेस्टिगेशन, एग्जामिनेशन, प्रोब, स्टडी। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं वो है हार्डली, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडवर्ब है, जिसका मीनिंग क्या होता है, मुश्किल, स्कार्सली, बैरली, जस्ट, ओनली, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं वो है पैरेलल, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है, जिसका मीनिंग क्या होता है, समानता, करिस्पॉन्डेंस, एनालॉजी, सिमिलैरिटी, इक्विवेलेंस, कंपैरिजन। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं वो है रजिस्टर, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है, जिसका मीनिंग क्या होता है, दर्ज करना, रिकॉर्ड करना, नोट करना, लॉग करना, डॉक्यूमेंट करना, क्रॉनिकल। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं वो है वाई ओ वाई, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है, जिसका मीनिंग क्या होता है, वर्षानुसार, वर्षानुसार, ईयर ऑन ईयर, एनुअल, ईयरली, एवरी ईयर, हर साल होने वाला, वो हमारा क्या होता है, वर्षानुसार। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है कमिट, और इसके साथ जो प्रीपोजिशन यूज होता है वो होता है टू, प्री एक वर्ब है, जिसका मीनिंग क्या होता है, समर्पित करना, प्लेस्ड, प्रोमिस, वॉ, बाइंड, डेडिकेटेड टू, डेडिकेट टू, तो ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, इफ़ यू हैव एनी कमेंट एंड एनी क्वेरी तो प्लीज़ डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।